कमल हिरदा सिमर है वाहिगुरु करन रूप चरण कमल अपने हिरदे याद करते ने सत बलिहारी सतगुर अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने सदा बलिहार जाइए अपने सतगुरां तो जिन्हां दी कृपा नाल इहा जिहा वाहिगुरु अकाल पुरख जपदे आ सतगुरु की संगत करते हैं। पर महाराज कहते सारयां नूं नहीं दिंदा यह चीज मैं एहो हर रस पावै जन कोई रब का प्यारा ये नाम रस नूं प्राप्त करता है जिन्हों मैं आप देवां अमृत पीवै अमर सो होए जिहड़ा नाम अमृत नूं पींदा है वह मरण तो रहत हो जाता है मौत तो रहत हो जाता है उस पुरख का ना ही कदे विनाश जाकै मन प्रगटे गुणतास उस पुरश का कदे भी नाश नहीं हुंदा वह मेरे वर्ग ही बन जाता जिहदे हिरदे च गुणा का खजाना गुणतास तास मतलब खजाना गुण गुणा का यह अखर गुरबाणी च बहुत वारी आया जिथे भी आ गया चाहे नन्ने नाल चाहे नाणे नाल गुणतास भी आउंदा गुणतास भी आउंदा गुणा का खजाना है अकाल पुरख वाहिगुरु जिसके हिरदे च प्रगट हो जाते ने उहदा नाश नहीं हुंदा। सौदागर आया छेवें पातशाह कोल श्री करतारपुर साहब एक घोड़ा एक दुशाला एक बाज तीर कमान श्री साहब बहुत सारिया मोहर भेटा रखिया मत्था टेकिया महाराज कहन लगे जदों घरों चलिया सी मन का की संकल्प सी उदों घरों चलन वेले महाराज जी मैं अज ये सोचा सी जाके महाराज नूं ये बेनती करूंगा भी असी दर्शन करन आउणे आ साल बाद दो साल भी लंघ जांदे काबल कंधार च मैं रहिंदा व्यापार करदा हाँ सौदागर हाँ आया नहीं जांदा भी मैं तो ये बेनती करनी है भी तुहाडा ये जिहड़ा सूप सामने है जिवें तुसी हुणे गुरता गद्दी ते बैठे हो सोहणे तखत ते बैठे हो इसे तरह ही बने तने मेरे हिरदे दे विच बैठ जाओ तुसी ते मैं रोज तुहाडे दर्शन करया करां फिर चाहे फिर चाहे महाराज मैं नरकां च रहां चाहे मैं स्वर्गां च रहां चाहे मैं जूनां च घूमां फिर मैनूं मौज बनी रहेगी। महाराज हस के कहण लगे भी जद मैं तेरे हिरदे च बैठांगा ते फिर तू नरकां नूं जाएंगा फिर नहीं जाना बस फिर तो बंदा मुक्ति हो जाता है जिहदे हिरदे च मैं बैठ जावां वह जीव सदा लई मुक्त हो जाता है जाकै मन प्रगटे गुणतास उस पुरख का ना ही कदे विनाश आठ पहर हर का नाम ले साढ़े सतगुरु तो अठे पहर ही आप भी वाहिगुरु करते रहते ने करते हैं ना गुरु ग्रंथ साहब अठे पहर वाहिगुरु करते हैं ये गल का पता किवें लगे ये जे थोड़ी जी अपनी अवस्था होवे तां जे अपनी अवस्था नहीं तो आपां नूं की सुनना है ये तो आप जे कही भी सारे पासे जिथे मर्जी किते भी टैलीविजन ला लो उत्थे ही आ जाता वो दा फोटो क्योंकि वह हवा दे विच उहदियां वेव्स घूमदियां ने कैच कर लैंदा वे कोई भी चीज हवा दे विच घूमदी है कैच करदी है उहनूं हरेक चीज नूं। सो महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे ने साडे सतगुरु जिहड़े ने वह अठे पहर नाम लेंदे ने इस गल का पता किवें लगे संत बाबा सुंदर सिंह जी खालसा नूं जदों लुधियाने हस्पताल लैके गए चैक कराया शरीर ढिले सी थोड़े जे डॉक्टर ने जदों चैक करन वास्ते वह कन्नां नूं टूटियां जिहियां लाईयां तां उस वक्त वह उत्थे जाम होके खड़ा हो गया हिले ही नहीं कई मिनट महापुरश कहण लगे डॉक्टर साहब जी होर भी किते ला के देख लो होर लाया उत्थे भी हिलिया नहीं फिर कहने लत्तां नूं भी ला के देख लो कहिंदे लत्तां नूं भी ला के देख लैना कहिंदे डॉक्टर साहब की गल जिथे ला दिंदे हो फिर तुसीं हिलदे ही नहीं कहिंदे महाराज मैं जिथे इहनूं ला दिंदा मेरे कन्नां च पता की सुणदा है वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे
कहते मेरे कन्ना च वाहेगुरू वाहेगुरू सुन लग पैंदा। महापुरुष कहण लगे गल यह है सारिआं तां नहीं सुणदा, सारे डाक्टरां तां नहीं सुणदा, इह तां तुहाडे अंदर भी अवस्था है तां तुहानूं सुण रहा है। गल ठीक है कहिंदे। सो जे अपनी अवस्था होवे ना थोड़ी जी भी, थोड़ा जिहा कनैक्शन होवे ना अपने कोले, तां फिर आपां नूं पता लग सकदा है कि गुरु ग्रंथ साहिब दे विच्चों भी हर वक्त सिमरन दी आवाज़ आउंदी रहिंदी है। महाराज दे विच्चों सिमरन आउंदा है हर वक्त, सिमरन दे गफ्फे वड्डे वड्डे गफ्फे आउंदे ने, छोटा गफ्फा नहीं आउंदा इत्थों। इह तां जिवें वड्डे सारे हिमालिया पर्बत ते बर्फ जम्मी होवे, उत्थों हवा टच करके उहदे नाल आवे तो सारी हवा ही ठंडी ठार हो जाती है। एड्डा वड्डा गफ्फा आउंदा आपां नूं फिर ठंडी हवा दा, बर्फ शिमले पैंदी ठंड पटियाले हो जाती है। इस प्रकार सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह नाल स्पर्श होकर जिहड़ी हवा आउंदी ना संगत नूं, वो हवा दे विच ही गफ्फा हुंदा सारा नाम दा, और मिलदा है सारिआं नूं, लंघ जांदा है उहनां दे कोल दी जिन्हां दे भांडे नहीं हुंदे साफ, जिन्हां दे भांडे थोड़े जे लिशकदे ने उत्थे पै जांदा जाके। इस करके महाराज तां रोज ही वरताउंदे ने, पर जे थोड़ा जिहा पहलां घरे बैठ के सिमरन करिआ उहनां, भांडा साफ कर लो, भांडा धोए बैस धूप देवो तौ दुधे को जाव, अंतस्करण नूं अपने नूं साफ कर लो, मांज लो चंगी तरह। महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे मन मांजै सच सोई, जिहड़ा मन मांज लैंदा उह सच दा रूप बण जांदा है। सतगुरु महाराज आठ पहर हर का नाम ले सच उपदेश सेवक को दे, फिर नाम दा उपदेश ही अपने सेवक नूं भी दिंदे ने, भाई असीं अठे पहर जपदे हां तूं भी भाई जपया कर अठे पहर। मोह माया कै संग न लेप, मन मै राखै हर हर एक। सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह मोह माया तो निरलेप रहिंदे ने, मन दे अंदर नाम नूं टका के रखदे ने, ते गुरसिख नूं भी इही अवस्था दे दिंदे ने। अंधकार दीपक प्रगासे, अंधकार दे विच अज्ञानता दे विच फिर नाम दा दीपक प्रकाश हो जांदा है। नानक भरम मोह दुख तह ते नासे, उत्थों सारे प्रकार दा भरम मोह दुख हरेक चीज नस जांदी है ते नास हो जांदी है। जिथे सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह कृपा करके नाम दा वासा कर देण, सो नाम दा वासा ताइयों होवेगा जे साडा ध्यान 24 घंटे नाम विच है। उठत बैठत सोवत नाम, कहो नानक जन कै सद काम। वाहे गुरु वाहे गुरु। ਸਲੋਕ ਸਤਿਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਮ, ਤਿਸ ਕੈ ਸੰਗ ਸਿੱਖ ਉਧਰੈ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੱਤਵੀਂ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਤਪਤ ਮਾਹੇ ठांड वरताई, आनंद पाया दुख नाठे पाई। महाराज फरमाउंदे ने तपदे हुए हिरदियां दे विच सतगुरु महाराज ने नाम दी ठंड पाई है। प्रतख भी संसार गर्मी नाल जदों तपदा है, मीहों पाया परमेश्वर पाया, जी जंत सब सुखी बसाया, एक ते ये चीज बख्शिश कीती। एक जगत जलंदा रख लै अपनी किरपा धार, जित द्वार है उबर है,
ਤਿੱਤਾ ਲਹਿ ਉਬਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਖ ਵਿਖਾਲਿਆ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕ ਅਵਰ ਨਾ ਸੁਝਈ ਹਰ ਬਿਨ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਖ ਵਿਖਾਲਿਆ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਇਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਠੰਡ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤ ਪਾਈ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਸੁਖ ਉਪਜੇ ਬਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਛਾਤੀ ਸ਼ੀਤਲ ਮਨ ਸੁਖੀ ਛੰਤ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਏ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਸਾਏ ਚੰਦਨ ਚਾਂਦਨਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਮੂਲ ਨ ਮਿਟਈ ਘਾਮ ਸੀਤਲ ਥੀਵੈ ਨਾਨਕਾ ਜਪੰਦੜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਚੰਦਨ ਘੋਲ ਕੇ ਪੀਣ ਨਾਲ ਤਪਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨਾਲ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਤੜਫਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਮਨ 'ਚ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠੰਡ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਠੰਡ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਦੁੱਖ ਨਾਠੇ ਭਾਈ ਆਨੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਵਿਰਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੌੜ ਗਏ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੇ ਮਿਟੇ ਅੰਦੇਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸੇ ਝੋਰੇ ਸੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਮਿਟ ਗਏ ਸਾਧੂ ਕੇ ਪੂਰਨ ਉਪਦੇਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪੂਰਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਪੂਰਨ ਹੈ ਬਾਕੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਕਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਕਮੀ ਕੀ ਹੈ ਕਈ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਜੰਮਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਮਰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਅਧੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੀ ਹੈ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਹ ਪੂਰਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਉ ਚੂਕਾ ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਬਸੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਬਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਗਲ ਵਿਆਦ ਮਨ ਤੇ ਖੈ ਨੱਸੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਦੀਆਂ ਵਿਆਧੀਆਂ ਉਪਾਧੀਆਂ ਸਨ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੈ ਨੱਸੇ ਖੈ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਨੱਸੇ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਹੀ ਹੋਣਾ ਦੌੜਨਾ ਜਿੱਥੇ ਡਬਲ ਕੰਮ ਆ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ ਦੁੱਖ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨੌ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਆਦੀਆਂ ਵਿਆਧੀਆਂ ਉਪਾਧੀਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਕਾ ਸਾ ਤਿੰਨ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸੀਏ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ
उसे ने हुण कृपा कर दिती है, इहनू रस्ता दे दिता है। सतगुरु जी ने एक रस्ता दिता सारयां नूं कलयुग दे विच, घरे जा के नाम नहीं जपिया जांदा, जंगलां विच नहीं जाना है। एक तरीका है कि साध संग जप नाम मुरारी, सतगुरु की हजूरी च बैठ के साध संगत विच बह के नाम जप। मुर आरी, मुर आदक दैंतां नूं कट्टण वाला परमेशर। साध संगत विच बह के जे नाम जपिए, थित पाई मन एकाग्रता प्राप्त कर लैंदा है। चूके भ्रम गवन, भ्रम हुंदी भटकना, गवन जाना, इधर उधर भटकते फिरना, यह खत्म हो जाते चूके। साध संगत विच बह के महाराज कहिंदे जप नाम मुरारी, सुन नानक हर हर जस श्रवण, कि कन्ना विच जस सुनिया कर। साध संगत विच बैठ के मूँह नाल जप, कन्ना नाल सुन, मन की एकाग्रता प्राप्त होनी। जेड़े मन की एकाग्रता प्राप्त करने वाले ने उन्हां दा ध्यान ज्यादातर लाहा लैण विच हुंदा, लाहा खटिए वध तों वध। जेड़े एवी लाहे तो बिना ही ने, जिन्हां नूं सोझी नहीं हुंदी, वो साध संगत विच बैठना पसंद ही नहीं करते। जब तक सोझी नहीं है उदों तक पसंद नहीं करते। जिवें कोई मजदूर मजदूरी करे, पांच बजे तक टाइम हुंदा, पर जो साढ़े पांच बजे तक अपनी मर्जी नाल टाइम ला दे, फिर सारे बड़े खुश होंदे भी ये बड़ा बंदा अच्छा, भी आम तो पौने पांच ही हट जाते हैं, देखो इन्हें साढ़े पांच तक टाइम लाया। उन्हूं अच्छियां दी गिणती च गिणिया जांदा, पर जे आपां नूं सतसंग विच टाइम लाउणा पै जे किते पांच दस मिनट ज़्यादा, आपां रौला पा दिंदे, ये तो ज़्यादा हो गया टाइम। तो की गल, वो जिहड़ा टाइम ज़्यादा कोई होर तुहाडे लई लाउंदा है वो चंगा बंदा हो गया। आपां सतसंग विच टाइम लाउंदे हां, वाहिगुरू मंत्र दा जाप करदे हां, होर ज़्यादा आनंद माणदे हां, फिर ज़्यादा टाइम हो गया। ये कम्मां कारण तां मुकना ही नहीं है, ये नहीं मुकदे। ये तो अपने प्यो तो नहीं मुके, दादे तो नहीं मुके, पड़दादे तो नहीं मुके, ना अपनी औलाद तो मुकने ने, ना उन्हां तो अगे मुकने, ना उन्हां तो अगे। जब तक सृष्टि रहनी है, ये सियाणियां ने नौ चुन के रखे कम, जेड़ा सदा ही कम रहिंदा है, वधदा नहीं है, कम कम ही रहना इन्हें। सो महाराज कहने इस करके मैं कहते सारी संगत नूं सलाह दिना, बेनती करदा भाई, साध संग जप नाम मुरारी, सुन नानक हर हर जस श्रवण। कन्ना नाल जस सुनो, ये वड्डा लाहा है। असले शरदा की कमी हो जाती, शरदा नूं ज्यादा वधाओ अपनी नूं। महाराज कहने इहां खाट चलो हर लाहा, आगे बसन सुहेला। नाले सारा दिन किथे फिर जाप हुंदा है, जां शब्द दी विचार हुंदी है, ये तां साध संगत ही है जिथे बह के लाहा खट सकदे हैं। इहदू बाद फिर इन्ना लाहा नहीं मिलदा सारा दिन विच। निर्गुण आप सरगुण पियो ही, निर्गुण गुणा तो बिना की होया, जिहड़े रजो तमो सतो तो बिना है। निर्गुण स्वरूप जिहड़ा नज़र नहीं आउंदा, ते सरगुण भी उही, निर्गुण रूप अकाल पुरख अते आप गुरु नानक देव जी सरगुण रूप विच आ गए। फिर गुरु ग्रंथ साहिब तक सारे स्वरूप उही है, ये निर्गुण भी अकाल पुरख ही है, सरगुण रूप विच शब्द रूप हो गए गुरु ग्रंथ साहिब महाराज। कला तार जिन सगली मोही, अपनी जिहड़ी कला है, शक्ति है, ये द्वारा जिन्होंने सारिया मोह लिया है, कला धार के सारिया के मन अपने वालू खिंच लिया है। अपने चरित प्रभ आप बनाए,
अपने जिहड़े चरित ने चलित्र ने कौतक ने वह वाहिगुरु सच्चे पातशाह ने आप ही कृपा करके बनाए ने। वाहिगुरु सारा कुछ ही बनाउण वाला है, अपने कौतक आप करन वाला है। जिन्ने भी कौतक ने संसार दे ए सच्चे पातशाह आप ही करन हारे ने। इस करके सतगुरु महाराज जी कहंदे ने अपनी कीमत आपे पाए, अपनी कीमत वाहिगुरु आप ही पा सकते ने, आपां उहदी कीमत भी नहीं पा सकते क्योंकि वह अपने काम नूं आप ही करते ने। साधारण जीव उहदी कीमत नूं नहीं पा सकता, चुप हो जाता। गुरु नानक देव जी कहंदे नानक कथना करड़ा सार, जाके हीर ते कहने नानक कथना करड़ा सार। औखा है हर बिंदु जा ना ही कोई, वाहेगुरु तो बिना होर कोई दूसरा नहीं है सारियां दे विच। ये नहीं है कि किसे होर विच होर रब बैठा है। सर्व निरंतर एको सोए, निरंतर एक रस सारियां दे विच वाहेगुरु आप ही बैठा है। ओत पोत रविया रूप रंग, ओत पोत हुंदा ताना पेटा, कपड़े का खड्डी नूं बुणदिया होया सीधा धागा अते टेढ़ा धागा। ओत पोत सारे दे कपड़े विच यही त्री चीज है, सीधा धागा टेढ़ा धागा, भाव कपड़े दे तार तार दे विच जिवें रंग चढ़ जांदा है। इस तरह वाहिगुरु साडे अंदर व्यापक है। ओत पोत रविया रूप रंग, रूप रंग जिहड़ा है रूपां दे विच रंगां दे विच सारियां थावां दे उत्ते व्यापक है, हर थां आप ही बैठा है। सारे रूप उसे दे ने, सारे रंग भी उसे दे ने। भए प्रकाश साधकै संग, पर इस गल नूं प्रकाशमान किथे हो सकदे सतगुरु दे नाल मिलके। हुण दो अक्षर ने साध संगत, साध संगत, संगत तो जिहड़े आपां बैठे हैं, साध सतगुरु का भाव है। सतगुरु के संग विच बैठ के यह प्रकाश हुंदा है। वाहिगुरु सरबी रंगी रूपी तू है, तू है मेरे प्यारे। रच रचना सृष्टि की रचना चंगी तरह बना के अपनी कल धारी, अपनी कल शक्ति ये दे विच पा दित्ती। अपनी शक्ति द्वारा सृष्टि नूं नचाउंदा है, भजाउंदा है, बनाउंदा है, हरेक कम करदा है। पर गुरु अर्जन देव जी कहंदे ने अनेक बार नानक बलिहारी, मैं तां उतों अनेकां बारी बलिहार जावां क्योंकि तेरे रंगां दा पता ही नहीं लगता, तेरे कौतकां दा पता नहीं लगता। दुनिया दे विच हरेक दी शकल वक्खो वक्खरी बनाई, बोली बनाई, दस्तार रफ्तार गुफ्तार, सियाणे कहंदे ने वाहिगुरु ने वक्खो वक्खरियां ही बनाईयां ने। सलोक साथ ना चालै बिन भजन, बिखिया सगली चार, हर हर नाम कमावना, नानक एहो तानसार। 19वीं अष्टपदी पहला श्लोक उच्चारण करते ने, साथ ना चल है बिन भजन। जदों दुनिया चो चलना है, शरीर छड़ के जाना है, परमेश्वर दे सिमरन तो बिना होर कोई चीज इस बंदे दे नाल नहीं जाती। बिखिया सगली छार, जिनी बिखिया माया है, बिखिया विषय विकार ने, जिनी जहर कठी कीती मनुख ने, सगली छार, छार हुंदी स्वाह।